स्टूडेंट्स बच्चों, आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है, जिसमें कि चैप्टर है 31 और टॉपिक है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है पहले आप ये समझिए। एप्लीकेशन वो लेटर होता है एक, जब हमें किसी चीज़ के लिए कुछ चाहिए होता है, जैसे छुट्टी लेनी होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं या हमें कहीं जाना होता है, तो हम अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं या कहीं पर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है वहाँ पर जो हमसे ऊपर हमारे बॉस हैं, हमारे मैडम हैं, हमारे सर हैं, उनको कि हमको छुट्टी चाहिए इस इतने दिन के लिए। ठीक है, तो वो एक लेटर जो होता है जिसमें आपको अपने बारे में बताना होता है कि हमें छुट्टी क्यों चाहिए और कितने दिन की चाहिए, उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, अब ये एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको लिखेंगे, आपको अभी हम समझाते हैं। आप बच्चों अभी छोटे हो, इसलिए अभी आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ही इसमें भरने करने हैं, वही आपको भी समझाया जाएगा। जब आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो ये आपको अपने आप पूरा टोटल लिखना होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सिक लीव मतलब आप बीमार हैं, सिक मतलब बीमार, लीव माने छुट्टी। तो जब बीमार आप हो गए हैं तो आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको लीव की एप्लीकेशन देनी है। तो कैसे लिखेंगे, आपको प्रिंसिपल मैम को ये एप्लीकेशन लिखनी है उनके नाम से, तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। ठीक है, फिर आपका कौन सा स्कूल है उसका नाम लिखेंगे, तो आपका स्कूल है विनोद कुमार कोयला वाले सरस्वती विद्या मंदिर, क्योंकि वो स्कूल का नाम बहुत बड़ा है, तो आप उसके इनिशियल लिखेंगे, फर्स्ट लेटर्स जो है वो लिखेंगे, विनोद कुमार कोयला वाला सरस्वती विद्या मंदिर। ओके, इस तरीके से। फिर वो कहाँ पर है, मथुरा में है ना, तो आपको सिटी का नाम लिखना है, मथुरा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये लिखा, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि वो सर या मैडम कौन है, वो लिखा हमने, सर है, सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं, तो यहाँ मैडम है तो मैडम लिखा। ठीक है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम इल एंड कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ, ये खबर देना चाहता हूँ कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ, एंड कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे, और आज स्कूल नहीं आ सकता। फिर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, कृपया करके मुझे छुट्टी दें, फॉर कि फॉर ब्लैंक स्पेस टू डेज फॉर, अब आपको यहाँ पर जितने दिन की एप्लीकेशन छुट्टी लेनी है आप उतने दिन यहाँ पर फिल कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर टू डेज ही लिखते हैं। ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, ठीक है, दो दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन होगी। अब आगे, अब आप कौन हो, आपको वो भी बताना है कि मैं कौन हूँ जिसने ये लेटर लिखा है। तो योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंटली का मतलब आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है। ठीक है बच्चों, फिर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर सेक्शन भी लिखना है, ए में है तो ए, बी में है तो बी, जो भी आपका सेक्शन है वो आप लिखेंगे। डेटेड, अब आपने कौन सी डेट को ये एप्लीकेशन दी है वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। जैसे हमने ये आज की डेट है 15, मैं आज आपको यहाँ पर 15 लिख रही हूँ। ठीक है, डेटेड यहाँ पर आपने लिखी 15। ओके, ये इस तरीके से आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। तो बच्चों आपने देखा आज ये कि एप्लीकेशन हमको किस तरीके से लिखनी है और कैसे हम उसको आगे बड़ी क्लासेस में भी आपको ये पूरी लिखनी होगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये आज आप मैंने आपको एप्लीकेशन का सिखाया, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।